वर्तमान में जुड़ गए हैं शिवान श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के दिनेश जी जुड़ गए हैं। शिवान जी बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी, शिवान जी देखिए सुनील भाई, ये हमारे जब इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें दिया हुआ था और इसको बड़ा समझने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी हो या जो भी विपक्षी है, ये किसी विषय पे पिछले 9 सालों में 10 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी को घेर नहीं पाए हैं, मगर जो भी चीज सरकार करती है उसके खिलाफ ये बिना जाने समझे अपनी टिप्पणियां देने लगते हैं। साफ सीधी सी बात है, जो बाकी के देश हैं, जहां पे जो अल्पसंख्यक हैं उनको सिटीजनशिप देने की ये प्रावधान है, वो भी जो 2014 के पहले के हैं जो यहाँ आए हुए हैं। बाकी जो घुसपैठिए हैं, जो अपने बॉर्डर को पार करके आए हैं, जो वहां बहुसंख्यक हैं, ये उनके लिए चिंता का विषय है। मगर भारतीय मुसलमान, भारतीय का जो नागरिक है हिंदुस्तान का, उसको इससे कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता छीनने वाला प्रावधान नहीं, ये तो नागरिकता देने वाला प्रावधान है। जो इस देश का अभिन्न अंग है, जो इस देश का नागरिक है, वो तो इस देश का है ही है। यही जो अल्पसंख्यक थे, जो प्रताड़ित थे, जो शोषित थे दूसरे देशों में, नहीं भा रहा है वो भी विरोधियों को अखर रहा है। आप लोग अगर दे रहे हो तो वो भी अखर रहा है। नहीं नहीं, हमने तो राशन भी दिया, गैस का सिलेंडर भी दिया और बहुत कुछ दिया, तो इनको करता ही रहा है, क्योंकि ये इनको करना चाहिए था पिछले कई सालों में। हाँ। जो उन्होंने नहीं किया, गरीबी हटाओ का ही सिर्फ नारा देते रहे, मगर गरीबी हटाने के लिए कुछ नहीं किया जी। आज यदि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी मोदी की गारंटियां पूरी हो रही हैं, तो इनको समस्या होगी। मुद्दों मिल रहे हैं,